हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जादू एंड द ट्री प्लेस ग्रामर सेक्शन इंग्लिश क्लास थर्ड। सो इंग्लिश क्लास थर्ड की ये जो चैप्टर है जादू एंड द ट्री प्लेस, इसके जितने भी ग्रामर पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ दिया वर्ड्स इन यूज, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली दो वर्ड दिए गए हैं, पहला है हैप्पी और दूसरी जो वर्ड है वो है डिसलाइक, ठीक है। सो हैप्पी का मतलब आप जानते होंगे कि खुश रहना या खुश, ठीक है। डिसलाइक का मतलब है नापसंद करना, ठीक है। सो यहाँ पे है बेसिकली दिया गया है कुछ एग्जांपल, जैसे कि अपोजिट, ठीक है। यानी पैक का जो अपोजिट होता है वो होता है अनपैक, लोड का अपोजिट होता है अनलोड, क्लीन का अपोजिट होता है अनक्लीन, नो का अपोजिट वर्ड है अननोन, एंड टाइडी का, ठीक है, अपोजिट वर्ड है अनटाइडी, कंफर्टेबल का अनकंफर्टेबल। तो इसी तरह से यहाँ पे भी दिया है ओबे का डिस ओबे होगा, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, एग्री डिसएग्री, अपीयर डिसअपीयर, ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट, कंफर्ट डिसकंफर्ट, ठीक है। ये क्या है, अपोजिट वर्ड है। तो यहाँ पे दिया है, अब इसके थ्रू हम लोग ये इसको सॉल्व करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन ब्रैकेट, यानी जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है इसके आपको अपोजिट लिखना है। कहाँ पर अपोजिट लिखना है, इसके सामने वाले में, यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि पहला जो दिया है, पहला है पैक, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रैकेट में पैक लिखा है, तो इसका अपोजिट जो होता है वो होता है अनपैक, ठीक है। तो अनपैक योर बैग्स, इसका मतलब है कि अपने बैग्स में से सारी चीज़ें निकालिए, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। सो पहले में आपको भरना अनपैक, सेकेंड वाले भरना योर रूम इज सो, यहाँ टीडी है तो यह अनटीडी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड में ऑनेस्ट दिया है, तो माई आंट कैचेस डिसऑनेस्ट पीपल सी इज अ पुलिस ऑफिसर। थर्ड में आपको डिसऑनेस्ट भरना है, क्योंकि ऑनेस्ट का जो अपोजिट होता है वो होता है डिसऑनेस्ट। फोर्थ है, यहाँ पर दिया है प्लीजेंट, प्लीजेंट का अपोजिट वर्ड होता है अनप्लीजेंट, यहाँ पर अनप्लीजेंट आपको फिलअप करना है। और यहाँ पर एग्री, एग्री का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है डिसएग्री, यहाँ पर फिफ्थ वाले में आपको डिसएग्री फिल करना है, ठीक है। अब इसके बाद से सिक्स में देखते हैं, सिक्स में बेसिकली आपको क्या करना है, सिक्स में क्लीन दिया है तो यहाँ पर अनक्लीन फिलअप कर देना है, यहाँ पर अपीयर दिया है तो यहाँ पर डिसअपीयर फिल कर देना है, ठीक है। सेवन्थ में और एट्थ में क्या करना है, आपको कम्फर्टेबल दिया है तो अनकम्फर्टेबल यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। नाइन्थ और लास्ट में क्या ओबे दिया है, तो यहाँ पर डिस ओबे क्या करना है, आपको फिल कर देना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया है अंडरलाइन द नाउन सर्कल द एडजेक्टिव, नाउन जो होगा उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और जो एडजेक्टिव होंगे, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, नाउन को डिफाइन करना, ठीक है। जो नाउन को डिफाइन करते हैं उसको हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। जैसे कि बम्बू, बम्बू क्या एक तरह का नाउन है, ठीक है, एक तरह से क्या है, एक चीज़ है, तो वो क्या है, नाउन है। तो नाउन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सर्कल कर दिया है, ठीक है। और एडजेक्टिव इसमें क्या है, हॉट है, यानी हॉट सैंड, यानी जो सैंड है क्या है, काफ़ी हॉट है, ठीक है। तो हॉट को मैंने सर्कल कर दिया। ज़्यादा पेंग क्या है, एक इंसान है, तो ये क्या है, नाउन है। और डेंस क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। सैपलिंग, सैपलिंग क्या है, एक नाउन है। ओल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव, उसको मैंने, नाउन को मैंने अंडरलाइन कर दिया, एडजेक्टिव को मैंने सर्कल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर नाउन को क्या कर दिया, मैंने अंडरलाइन कर दिया, और एडजेक्टिव को सर्कल कर दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ दिया है टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर्स को आपको चूज करके टिक करना है। जैसे कि मई इज द हॉटर या हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, क्या रहेगा, हॉटेस्ट मंथ ऑफ ईयर, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। सेकेंड है मीना इज टॉलर देन हरी, यानी किसी से कंपेयर होगा तो टॉलर होगा, ठीक है, यहाँ पर टॉलर पर होगा, ठीक है। थर्ड है माई वाटर बॉटल इज बिगर, ठीक है, बिगर देन योर्स। फोर्थ में क्या होगा, दिस इज द वाइडेस्ट रोड इन मलुगुड़ी, ठीक है। फिफ्थ, आई फाइंड स्विमिंग इजियर देन जूडो। सेवन्थ होगा द सन इज ब्राइटर देन द मून, यानी जो सूरज है किससे ज़्यादा होता है ब्राइट, मून से ज़्यादा ब्राइट होता है, ठीक है। विच इज द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। एथ है ब्लू होवेल आर हैपियर देन एलिफेंट, जो ब्लू होवेल मछली होती है, मछली नहीं बोल सकते ना, ब्लू होवेल होती है जो समुद्र में रहती है, ठीक है, वो किससे हैवियर होती है, एलिफेंट से ज़्यादा भी हैवी होती है, ठीक है। नाइन्थ है द स्टोरी बुक इज थीकर
देन माई टेक्स्ट बुक्स, जो स्टोरी बुक है क्या है, ज़्यादा मोटी है मेरे टेक्स्ट बुक से भी ज़्यादा, ठीक है। टेंथ है विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, यानी सबसे लंबा दिन कौन सा होता है साल का, ये है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है लास्ट पोर्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोर एंड मोस्ट। मोर का यूज करना है और मोस्ट का यूज करके आपको खाली जगह को इसमें भरना है, ठीक है। तो पहला है विच इज मोर डिफिकल्ट, एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। पहले में मोर रहेगा, दिस रोज इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर इन माई गार्डन, ग्रैंड मा इज द मोर इम्पॉर्टेंट पर्सन इन आवर फैमिली। फोर्थ है ऑफ द टू बुक्स विच इज मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। Mom, who is more intelligent, the dog or the cat? Isn't Iron Man the most powerful of the of all the superheroes? ठीक है, तो इस तरह से आप फील कर सकते हो यहाँ पर। पहले में more, second में most रहेगा, third में more, fourth में more, fifth more and last sixth में most रहेगा। So I hope आपको वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।